7/2 हो गया, प्लस 8 5 40 और एक 41/8 ये भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 = 12 और एक 13/3 एक तो ये तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका है 3 + 5 + 4 को अलग कर लिया, ये 3 ये 5 और ये 4 को अलग कर लिया, प्लस 1/2 + 1/8 + 1/3 कर लिया, 5 × 4 = 9 + 3 = 12 प्लस लघुतम कितना आया? 2, 8 और 3 का लघुतम आया 24। कैसे 24 आया? 2 लिखा 8 लिखा 3 लिखा 2 का भाग दिया 3 में नहीं गया, फिर 2 का दिया 3 में नहीं गया, फिर 2 का दिया 1 1 और 3 बच गया अब 3 का दे दिया 1 1 1 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12 12 24 लघुतम है। अब ये जो 2 है इसका इस लघुतम में भाग दिया 24 में भाग दिया तो 12 बार गया, 12 × 24 12 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया 12 × 12 उसको यहाँ लिख दिया, प्लस 8 का भाग दिया 24 में 8 × 2 = 3 8 + 8 = 24 3 × 3 प्लस 3 का भाग दिया 8 बार। अब इसको यदि करते हो इस तरीके से तो भी लघुतम तो 24 ही आया। 12 × 2 = 24 और 12 × 7 = 84 लिखा है यहाँ पे, प्लस 8 × 3 = 24 और 41 × 3 = 123 हो गया। ये कैसे है 123? नहीं समझ आया? 8 का भाग दिया 24 में कितनी बार गया? 3 बार। उस 3 को इस 41 से गुणा किया यहाँ लिख दिया, 41 को 3 से गुणा करोगे 3 × 3 = 3 3 × 4 = 12 123 हो गया, हो गया। प्लस 3 का भाग दिया 24 में 8 बार गया, 13 × 8 = 104 होता है। सब का योग कर लो, 4 × 3 = 7 और 4 = 11 का एक 1 2 और 1 3 और 8 = 11 का 1 2 और 1 3 311 में 24 का भाग लगाओ, 311 में 24 का भाग लगाओगे 24 × 24 हो गया, 24 × 24 बच गया 7 71 24 × 2 = 48 24 × 3 = 72 होता है, इसलिए इससे कम रह गया, कितना बच गया? 23 बच गया, तो 12 तो पूर्ण हो गया, 23 बच गया और किसका भाग लगा रहे थे? 12 पूर्ण 23/24 इसका उत्तर आ गया, आ गया। ऐसे करेंगे तो 12 तो यहाँ पर हो गए, 12 और 8 = 20 और 3 23/24 हो गया कि नहीं हो गया? 23/24 और 12 ये 24 से 23/12 ये और ये उत्तर एक आ गया कि नहीं? आई बात समझ? 5/8 × 13/25 × 16/3 = कितना? ऊपर नीचे आड़े तिरछे काटने की कोशिश करें इसको, करें 5 × 5 = 25 8 × 8 = 8 2 = 16 अब आगे नहीं कट रहा, 13 2 26/5 3 15 26/15 15 × 15 15 और 11 26 होता है। ये लो, ये आंसर हो गया। बोलो आया सर? थोड़ा देंगे देखो, मेरे साथ में है कन्हैया, कन्हैया कुमार, कन्हैया लाल राठौड़। कन्हैया कहाँ से आप आए हो? एमपी मध्य प्रदेश से। एमपी मध्य प्रदेश से आए हैं कन्हैया और बहुत समय से आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको बड़ा उम्मीद है ये बीएसएफ का भर्ती से? हाँ सर, बड़ा उम्मीद है सर। उम्मीद है? हाँ सर, कि इस बार लास्ट चांस बचा सर। लास्ट तो होता ही नहीं, चांस तो फर्स्ट होता है, जिसमें हम भर्ती हो जाएं वही फर्स्ट। हाँ सर, हाँ सर।
तो फर्स्ट चांस है, लास्ट चांस नहीं है। हाँ सर, फर्स्ट चांस है। आपको समझ नहीं आता, मैथ में इनको परेशानी होती है, समझ नहीं आता, एक बार समझ आ जाता है उसके बाद थोड़ी पर प्रॉब्लम होती है। और ऐसा एक कन्हैया ही नहीं है, और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो व्यक्तिगत रूप से कोशिश हमारी ये है कि व्यक्तिगत रूप से इनको जैसे पेपर पेन टेबल सिटिंग जो करवाई जाती है वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इन प्रकरण कैसे भी करके समझ आए। तो कन्हैया ये मैंने सॉल्व किया तो अभी यहाँ पर आया आपको। हाँ आया सर, आया कि आपको भिन्नों का जोड़ बाकी करना, कि मैं ये कह दूँ कि 3/5 प्लस 2/15, तो अब आपको ये हो गया कि मैं 5 और 15 का मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना है। 5 और 15 का एलसीएम, तो 5 और 15 का एलसीएम 15 ही हो गया। अब इस 15 का भाग दिया एलसीएम में तो 3 बार भाग गया, पति वाले 3 में 3 + 9 और वो 9 यहाँ लिख लिया, लिख लिया। प्लस 15 का 15 में भाग दिया, एक बार उस 1 को 2 से गुणा किया, 2 एकम 2, 9 और 2 कितना हो गया, 11/15 हो गया, हो गया 7/25 प्लस 3/20 प्लस 1/10 बराबर कितना। क्या करेंगे, विधि बता दो मुझे, क्या करेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे सर? सबसे पहले जोड़ेंगे सर। जोड़ेंगे किसको? जोड़ेंगे 25 और 20 और 10 को। जोड़ेंगे क्यों, लघुतम लेंगे? हाँ हाँ सर, इनका लघुतम लेंगे 25, 20 और 10। अब आप देखिए कि जोड़ेंगे, क्योंकि कन्हैया अभी सही रास्ते पर चल रहे थे, चलते चलते ही क्या हुआ कि फिर बीच में भटक गए। तो ऐसा कन्हैया ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, चाहे आईटीबीपी ट्रेड्समैन हो, या तो सब लोग हमारे जो ट्रेड्समैन के कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है कि वो काफ़ी समय तक पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। यही प्रॉब्लम है। हाँ सर, कि जो पक्का ट्रेडमैन होगा वो क्या पढ़ाई के टच में नहीं रहेगा? सर तो, पढ़ाई नहीं मैंने 25 साल तक। 25 साल तक नहीं पढ़ा? देखिए तो इसका मतलब आपकी उम्र कितनी हो गई? 25 ही चल रही है सर। 25 ही चल रही है, बचपन से ही गणित पढ़ाई नहीं? नहीं पढ़ा, और 10वीं में भी ग्रेस से पास हुआ है सर ऐसे, और आर्ट ले लिया था सर। तो अब तो पढ़ना पड़ेगा था, नहीं पढ़ेंगे तो अपने मेरिट में नाम आने के लिए अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको जो जोड़ बाकी गुणा भाग ये तो सिंपल कैलकुलेशन तो आ ही जाएगा। जाओ तो आप देख सकते हैं, देखिए कि कन्हैया ही नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जो डरते हैं कि मैथ्स नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं आता, 25 ही उम्र है और 25 साल से मैथ नहीं पढ़ा। तो ऐसा तो कोई नहीं होगा कि साल दो साल तो बंदा 2-2.5 साल 3 साल तक तो कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन उसके बाद तो पढ़ता है। लेकिन कन्हैया ने नहीं पढ़ा। लेकिन हम पढ़ाएंगे कि जब नहीं है समझ आएगा तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि एक एक को यहाँ बिठा के पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लाओ अब ये हमारे साथी जेनुल हैं, इनको भी ऐसा ही परेशानी है। जेनुल ये आपको नहीं आ रहा, इसके नीचे क्या है? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ 1/2 लिख देता हूँ। अब इसको करने के लिए आप 4, 7 और 6 को अलग कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो, 1, 1, 1, 5, 1। सब जब तक नीचे 1, 1, 1 नहीं आ गया तब तक लिख देंगे। हो गया जी सर। अब क्या क्या बचा आपके पास में? 5, 5, 25 बचा, 25, 3, 75, 75, 2, 150, 150, 2, 300, ये एलसीएम आया जी सर। तो क्लास में आपको क्या डर लगता है? नहीं सर, अभी काफी दिन पढ़ाई छोड़े हो गए तो फंसता नहीं दिमाग में। फंसता नहीं है जी सर। तो कुछ जैसे अभी हमने किया, अब तो फंसा जी सर है? जी अभी फंसता है, फिर थोड़ी देर में वापस निकल जाता है जी सर। यही होता है जी सर। शाम को निकल जाता है या उससे पहले ही? नहीं सर, शाम में निकल जाता है। शाम में निकल जाता है, यानी रात को हम सोते हैं उसके बाद। तो कभी लगता है ऐसा कि यार ये तो मेरे को नहीं फंसेगा तो मैं घर चला जाऊं, लौट जाऊं? घर नहीं जाऊंगा सर। है? घर नहीं जाऊंगा। ये देखिए ये होता है हौसला कि घर नहीं जाऊंगा, सीखूंगा मैं जी सर। कि यदि मैं ये सोच के सीखूंगा कि मैं सीखूंगा तो मैं ज़रूर सीखूंगा। और यदि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे ही हैं सभी जी। सभी तो आपके जैसे ही हैं, जितने लोग जो पढ़ रहे हैं जी। वो कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई जो पहले से जिसको आ रहा है पहले से आ रहा होगा तो वो तो खुद ही पढ़ लेगा वो जी। तो आप
आपको आएगा ऐसी बात? कितने समय से आप भी मैथ नहीं पढ़े? मैं सर 2013 से नहीं पढ़ा। आपकी उम्र कितनी हो गई? सर मेरी ये 22 साल के ऊपर हूँ। 22 साल। देखिए जैनुल के परिजन भी देख रहे हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जैनुल को सिखा तो मैं दूंगा, अब ये परीक्षा में कैसा करके आएंगे वो इनको करना है। बढ़िया करके आएंगे, सीखेंगे तो सीखेंगे यार, क्यों नहीं सीखेंगे। तो घबराना नहीं है। अब आप, अब देखिए अगले स्टूडेंट मेरे साथ में है संजू साहा, आसाम से आए हैं, बहुत दूर से हैं, नॉर्थ ईस्ट से। तो संजू आपको यहाँ राजस्थान में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है स्टाफ वगैरह, कुछ खाना वगैरह आपको ठीक है? ठीक है। ठीक है, मन लगने में कुछ परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आप क्या पढ़ाई आप करते थे वहाँ घर पे? आप, आपके क्या क्वालिफिकेशन है? बीए किया आपने? बीए किया। क्या पढ़ाई किया? मैं 12th पास। 12th पास है। उसके बाद आप ये सब आर्मी का और ये सब तैयारी करते हैं? 18 साल से पढ़ा। 18, अभी कितना हो गया? अभी 22 चल रहा है। देखिए अभी 4 साल से संजू तैयारी कर रहे हैं। तो अब संजू को भी यही परेशानी है कि जब वहाँ बोर्ड पे हम करते हैं तब तो आप सीख जाते हैं, लेकिन बाद में परेशानी होती है। बाद में परेशानी होती है। ऐसे करते हैं, 2 का भाग देंगे 6, 15, 10, 5, फिर 2 का देंगे 3, 15, 5, 5, फिर 3 का देंगे 1, 5, 5, 5, फिर 5 का भाग देंगे 1, 1, 1, यानी जब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक सभी के नीचे 1, 1, 1 नहीं आ जाता। यही बात समझ। अब इनको गुणा कर लो, 5, 3, 15, 15, 2, 30, 30, 2, 60, 60 में 12 का भी भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 15 का भी जा रहा है 4 बार। 20 का जा रहा है 3 बार। 10 का जा रहा है 6 बार। 5, 4, 3 और 6, आई बस समझ। तो आया थोड़ा बहुत आता है जीके हिंदी वगैरह वो सब? वो आता है। वो आता है, उधर बताओ आता है। कैसे बोलेंगे असामीज लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि मुझे आता है समझ? हेगिटा है, जोर से बोल। हेगिटा है जी, हिंदी जीके। रीजनिंग? रीजनिंग। रीजनिंग भी आता है? हाँ। मैथ नहीं आता? मैथ में कमजोर। नहीं आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। आता है थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा तो आता है। तो आपको क्या लगता है कि आप सीख पाएंगे या कभी कभी ऐसे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि यार मैं नहीं सीख पाऊंगा तो क्या होगा? हाँ लगता है। लगता है। तो इतने लोग, तो यार हम लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, सर तो पूरे समय रहते हैं, बाकी सब लोग देख लीजिए एक से एक कितना लोग रहते हैं कि सब लोग जो है सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके संजू इतनी दूर से आए हैं तो ये भर्ती होंगे। क्या ट्रेड है आपका? सफाई ट्रेड। सफाई ट्रेड। सफाई ट्रेड है तो आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अलग बिठा के यहाँ बिठा के समझाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं वहाँ आएगा तो यहाँ बिठा के समझाएंगे। एक बार नहीं आएगा 100 बार बताएंगे, तो 100 बार तो आएगा। आपका दोस्त भी आया साथ में या आप अकेले है? तो आप तो यार फोर्स में जा रहे हो, आपको ऐसे मोरल डाउन नहीं करना। फोर्स में जाने वाला बंदा जो होता है ना उसको मोरल एकदम लोहे की तरह रखना चाहिए, फौलाद की तरह रख। ऐसे तो फोर्स में तो रोज ही ऐसे वाके आते हैं, कभी मैथ नहीं आया, कभी सामने से जब गोली चलती है तब क्या होगा? सफाई ट्रेड का मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ अपने को झाड़ू ही चलाना, अपने को तो गोली भी चलानी है। तो फौलाद की तरह होना चाहिए हौसला कि मुझे आएगा, मैं सीखूंगा और आप हम सिखाएंगे और फिर भी हम देखेंगे कि कैसे नहीं आ रहा। ठीक है, चलो जाओ पानी पी के आओ, उधर पहले मुंह धो के आओ, उसके बाद ये लेके जाना। अब मोहनलाल जी आप बुला लो, एक महेश है वो महेश फौजी आ गए ना? हाँ दर्शन तो दिखे, उसको बुलाओ। महेश आज आप देखिए मेरे साथ में है महेश। तो महेश क्या पढ़े आप? 2 दिन हो गए आपको। कुछ नहीं पढ़ा? पढ़ा। क्या पढ़ा? मैथ के अलग से डाल रखे। अलग डाल रखे हाँ, तो आज लेके आया।
इसमें सिर्फ ये पढ़ा है स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि, सब पढ़ लिए। बताओ फिर विद्यालय का क्या संधि होता है? विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय, तो आता है यार आपको तो जी सर। फिर इतना डर क्यों रहा है? क्या ट्रेड है आपका? कुक है सर। कुक ट्रेड है जी सर। तो महेश आपको कुछ है आत्मविश्वास पे, क्या लगता है कि कभी आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, कभी आत्मविश्वास बढ़ता है, कभी जब आता है क्वेश्चन तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कभी कमज़ोर हो जाता है, लगता है ऐसा? जी जी। तो क्या सोचा, क्या आपने इरादा क्या है आपका? वर्दी पाना। ये देखिए वर्दी पाना। इरादा पक्का इरादा है? पक्का इरादा है जी सर। है? जी सर। फिर ऐसे मरा हुआ क्या बोल रहे हैं? नहीं सर वैसे ही। पक्का इरादा तो सब बोलो कि पक्का इरादा है? पक्का इरादा है वर्दी इस बार अगली दिवाली बॉर्डर पे मनाएं। मनाएंगे कौन से बॉर्डर पे? खुश रहना है, ठीक है? आएगा, आपको आता है, ऐसी बात नहीं है। और नहीं आएगा तो मैं यहाँ बिठा के अलग अलग अकेले को समझा दूँ। बस 100 लोगों से हम एक 101वां हम करेंगे ही नहीं, चाहे कहीं से भी सिफारिश की क्यों ना आ जाए। 100 से 101वां हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि यदि हम 100 से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर हम उनको वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। और यदि एक बच्चे को 20 मिनट भी यदि देना पड़ेगा, अलग से देना पड़ेगा, आधा घंटा भी देना पड़ेगा, एक घंटा भी देना पड़ेगा, तो हम देंगे, ये हमारा काम है। आपका काम है महेश की तरह या दूसरे जो बच्चे हैं उनकी तरह पक्का इरादा करने का है कि मुझे पक्का इरादा करके तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि मैं अभी ये देख लूँ, अभी वो देख लूँ, या जब जोर पड़ता है, जब जोर पड़ता है तब क्या याद आता है? वैसे सर नहीं, सर घर तो मैं रह चुका हूँ बाहर, इसलिए घर तो मैं जाऊँगा नहीं। घर नहीं जाऊँगा? नहीं सर। नहीं सर। ये देखिए, ये घर नहीं जाऊँगा, भर्ती होके जाऊँगा। भर्ती होके जाऊँगा जी। घर में क्या आस पड़ोस के लोग मजाक बना देते हैं? सर वो पहले बोलते हैं ऐसे वैसे रह गए हो, लेकिन मजाक बनाते हैं जी सर। क्या कहते हैं? और पहले भी तू रह चुका है इसलिए, मतलब पीछे से बात करते हैं या सामने कोई बोलता है? नहीं वैसे जब पास से निकलता हूँ तो बोलते हैं कि जब पास से निकलता हूँ तब बोलते हैं कि पहले ही रह गया, पहले भी गया था भर्ती होने, तो पहले तो नहीं हुआ, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। नहीं सर मेरे को तो आना है उनसे, कोई मतलब नहीं मेरे। पर उनको जवाब देना है आपको जी सर। जवाब देना है? कैसे जवाब दे सकते हैं? सिलेक्शन लेके। सिलेक्शन लेके जवाब दे सकते हैं? तो कितना आप, कितने घंटे आपकी पढ़ाई होती है सुबह से शाम तक, वो बताओ। सर बस दोपहर में 3 घंटा और रात को 4-5 घंटा मतलब सोने के लिए मिलता, बाकी पढ़ाई। और कोई नहीं उठे टाइम पर तब क्या होता है? प्रिस्पेंट मिलता है उसको। नहीं उठे वो, ये देख लीजिए, नहीं उठे तो पुनिया जी जगा देते, तो फिर बाजिया जी जगा देंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि यदि आप आ रहे हैं हमारे पास तो बाजिया जी को जगाने की जरूरत ना पड़े, और बाजिया जी जगाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर यही होगा कि आप महेश की तरह अपने दिलो दिमाग में अलार्म लगाएं, और वो अलार्म लगा के फ़ोन, महेश फ़ोन के बिना बेचैनी होती है? नहीं सर मैं पहले रह चुका हूँ, बिना बिना फ़ोन रह चुका दिया था मैंने तो, पहले जमा करा दिया। तो आपको लगता नहीं कि मैं भी कभी स्टेटस लगाऊं, ऐसे वैसे यार दोस्तों से बात करूं और कि क्या हो रहा है ऐसे? नहीं सर खुद का स्टेटस बनाना है मेरे को। खुद का स्टेटस बनाना है कि जिस दिन परिणाम आ जाएगा उस दिन स्टेटस लग जाएगा अपने आप? खुद अपना लगेगा, खुद का हम लगाएंगे स्टेटस, स्टेटस हम लगाएंगे। तो देखिए बड़ी अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस लेवल है महेश का और आ भी रहा है। क्या पढ़ाई किया आपने? पढ़ाई क्या किया, क्या 12वीं किया है? सर 12वीं करते में जॉब की तैयारी में लग गया था, फिर आर्मी का, आर्मी का तो वो आर्मी में धोखा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी चलो आप बैठिए क्लास में बैठो। तो देखिए दोस्तों, चाहे महेश हैं, चाहे आसाम के संजू साहा हैं, या जैनुल हैं, या कन्हैया लाल हैं, तो सब लोगों का एक ही कमोबेश एक स्थिति है कि मुझे आता नहीं। और यदि हम ये सोच लेंगे कि मुझे नहीं आता तो वो कभी नहीं आएगा। यदि आप ये सोच के पढ़ेंगे कि मुझे सीखना है और मैं सीखूँगा,
तो ही हम आपको सिखा सकते हैं। यदि आप सोच ही लेंगे कि मुझे नहीं आ रहा, तो कोई नहीं सिखा सकता। मैं क्या, कोई नहीं सिखा सकता, कोई ताकत नहीं सिखा सकती। और आप सोच लिए कि मुझे सीखना है, तो 8 घंटे क्लासेस हो रहा है, और बढ़ा देंगे, 10 घंटे कर देंगे, 12 घंटे कर देंगे। कितना समय है, मात्र 2-3 महीने की बात है। और उन 2-3 महीने का अच्छे से सदुपयोग जो लोग कर लेंगे वो भर्ती हो जाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो फिर अगले साल भर्ती आएगी। हर साल आती है, कोई कुंभ का मेला नहीं है ये कि सालों लग जाएंगे, हर साल भर्ती आती है। BSF ट्रेड्समैन ऐसी भर्ती है कि जो सालाना भर्ती होती है। अभी कोविड की वजह से 2 साल की भर्ती एक साथ आ गई, तो आपके पास अच्छा मौका है, अच्छे से तैयारी करें। और ऑफलाइन क्लास आपको करना है तो आप जुड़ सकते हैं। आपको नहीं आता, वो सिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद।